नमस्कार, मैं दिव्या धराधर। 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश और प्रदेश के अब तक के प्रमुख खबरों को। कोरोना वायरस ने एक बार फिर सभी की चिंता बढ़ा दी है। कोविड-19 के नए वेरिएंट EG.5.1 को एडीस नाम दिया गया है। कोरोना के नए वेरिएंट को ओमिक्रॉन के परिवार का ही माना जा रहा है। इसी बीच अब विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस वेरिएंट को लेकर नई जानकारी दी है। WHO ने यह भी कहा है कि यह अन्य मौजूदा वेरिएंट की तुलना में सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए बड़ा खतरा पैदा नहीं करता है। ओमिक्रॉन के परिवार का होने की वजह से इसके कुछ लक्षण कोरोना के पुराने वेरिएंट से मिलते जुलते हैं। अफ्रीकी अमेरिकी अभिनेत्री और गायिका मैरी मेलबेन मणिपुर मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में सामने आई। उन्होंने कहा है कि वह हमेशा पूर्वोत्तर राज्य के लोगों के लिए लड़ते रहेंगे। उनकी टिप्पणी उनकी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के जवाब में संसद में पीएम मोदी के संबोधन के बाद आई है। अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर मैरी मेलबेन ने कहा है कि भारत को अपने नेता पर भरोसा है। लोकसभा में विपक्ष की तरफ से लाए गए अविश्वास प्रस्ताव गुरुवार को गिर गया। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर जवाब देते हुए विपक्षी पार्टियों पर तीखा हमला किया और इसी के साथ शेयर बाजार में निवेश करने वाले को बड़ी टिप दे डाली। पीएम मोदी ने कहा है कि LIC डूब रहा है, गरीब का पैसा कहाँ जाएगा, लेकिन आज LIC लगातार मजबूत हो रही है। शेयर मार्केट में रुचि रखने वालों को ये गुरु मंत्र है कि जिस सरकारी कंपनी को विपक्ष गाली दे उसमें दाव लगा दीजिए, सब अच्छा होगा। देश 15 अगस्त को अपना 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखने के लिए सुरक्षा एजेंसियां हर संभव कदम उठा रही। इसे देखते हुए रेलवे की एक जरूरी सेवा को भी बंद रखने का निर्णय रखा गया है। यह सेवा रेल पार्सल से जुड़ी हुई है। रेलवे ने 12 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक दिल्ली एरिया में पड़ने वाले रेलवे के विभिन्न स्टेशनों पर पार्सल सेवा को सस्पेंड कर दिया है। इलेक्ट्रिक गाड़ी लगातार जबरदस्त तरीके से पॉपुलर होती नजर आ रही हैं, जिसकी वजह से इनका किफायती, प्रैक्टिकल और पर्यावरण फ्रेंडली यानी ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने वाला होना है। हालांकि इनकी सेफ्टी को लेकर चिंताएं बार बार उठने लगती हैं, जिसकी वजह से बीच बीच में लगने वाली आग की घटनाएं हैं, जिसके चलते ग्राहक अभी भी इसके बारे में संकोच कर रहा है। हालांकि इन्हें बनाने वाली कंपनियां इसके रिसर्च पर काफी खर्च कर रही ताकि इनके बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम को और भी ज्यादा बेहतर बनाया जा सके। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने हाई कोर्ट के 9 जजों के तबादले की सिफारिश की है। इनमें गुजरात हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति हेमंत एम प्रचक का नाम भी शामिल है। जस्टिस हेमंत एम प्रचक वही जज हैं जिन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के सरनेम मामले में सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार ओपनर शिखर धवन ने एशियाई खेलों के लिए टीम इंडिया में जगह न मिलने पर हैरानी जताई है। धवन ने इस पर बात करते हुए कहा है कि जब उन्होंने सुना कि टीम में उनका नाम नहीं है तो वह चौंक गए। हालांकि उन्होंने कहा है कि जो भी टीम मैनेजमेंट के फैसले हैं उन्हें स्वीकार करना होगा। सदन में अविश्वास प्रस्ताव के विरोध में लोक जनशक्ति रामविलास पार्टी सुप्रीमो चिराग पासवान ने कहा है कि यह पहला और अनोखा अविश्वास प्रस्ताव है जो सरकार को और अधिक मजबूती प्रदान करेगा। उन्होंने कहा है कि पिछले 3 दिनों से मणिपुर की घटना पर बहस चल रही है। जो लोग मणिपुर की घटना पर आंसू बहा रहे हैं उन लोगों को बिहार के दरभंगा, मुजफ्फरपुर, अरवल की घटना पर क्यों चुप है, यह दोहरा चरित्र दर्शाता है। पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन को लोकसभा से निलंबित कर दिया गया है। इसे लेकर कांग्रेस नेता अधीर रंजन का बयान सामने आया है। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि मैंने पीएम मोदी का अपमान नहीं किया है। मोदी हर बात पर बोलते हैं लेकिन मणिपुर मुद्दे पर वह नीरव बैठे हैं, जिसका मतलब चुप बैठना होता है। मेरा इरादा पीएम मोदी का अपमान करना नहीं था। एक लेटेस्ट रिसर्च में यह बात सामने आई है कि सोशल मीडिया से लोगों के दिमाग पर नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है। यह दावा ऑक्सफोर्ड इंटरनेट इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं ने 72 देशों के 10 लाख से अधिक लोगों पर अध्ययन के आधार पर किया है। शोध के नतीजे रॉयल सोसाइटी ओपन साइंस में प्रकाशित किए गए हैं। घरेलू बाजार में यात्री वाहनों की थोक बिक्री जुलाई में सालाना आधार पर 2.57% बढ़कर 3,50,149 इकाई हो गई है। जुलाई 2022 में कंपनियों की ओर से डीलरों को कुल 3.41 लाख वाहनों की आपूर्ति की गई थी। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स ने कहा कि किसी भी जुलाई महीने में अब तक की यह रिकॉर्ड बिक्री है। UPI लाइट का इस्तेमाल लोग बढ़ चढ़ कर करें, इसके लिए RBI ने कल एक बड़ा कदम उठाया। RBI ने UPI लाइट की लिमिट को 200 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया है। यानी अब आप UPI लाइट के जरिए एक बार में 500 रुपये की पेमेंट बिना पिन डाले कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अविश्वास प्रस्ताव पर बहस में कांग्रेस पर मां भारती को छिन्न भिन्न करने का आरोप लगाया। इस दौरान उन्होंने कच्चा तीवू द्वीप की चर्चा की। इस द्वीप को इंदिरा गांधी सरकार ने 49 साल पहले 1974 में श्रीलंका को दे दिया था। पीएम ने इंदिरा के इस फैसले पर सवाल उठाते हुए पूछा कि मां भारती की मौत की कामना करने वालों को बताना चाहिए कि क्या यह द्वीप मां भारती का हिस्सा नहीं था।
बिहार के नवादा के हिसुआ से कांग्रेस की विधायक नीतू सिंह ने विवादित बयान दे दिया है। दरअसल स्मृति ईरानी ने लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी के फ्लाइंग किस को लेकर राहुल गांधी पर हमला बोला था। वहीं अब फ्लाइंग किस मामले पर कांग्रेस के विधायक नीतू सिंह ने विवादित बयान देते हुए कहा है कि हमारे नेता राहुल गांधी को लड़की की कमी नहीं है, यदि फ्लाइंग किस देना होगा तो किसी लड़की को देंगे, 50 साल की बूढ़ी महिला को वो क्यों फ्लाइंग किस देंगे। एशिया कप 2023 का 30 अगस्त से आगाज होगा, वहीं इसका फाइनल मुकाबला 17 सितंबर को खेला जाएगा। इस बार यह टूर्नामेंट पाकिस्तान और श्रीलंका की मेजबानी में खेला जाएगा। टीम इंडिया अपनी सभी मुकाबले श्रीलंका में खेलेंगी। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एशिया कप में पहली बार ऐसा होगा कि टीम इंडिया की जर्सी पर पाकिस्तान का भी नाम होगा। बता दें कि पाकिस्तान एशिया कप का मुख्य होस्ट है। टाटा सुमो के स्वामित्व वाली एयरलाइन एयर इंडिया ने अपने नए लोगो और डिजाइन का खुलासा किया है, यानी कि अब यह नए लोगो ब्रांड और पहचान के साथ नजर आएंगे। एयर इंडिया पिछले 15 महीने से नए लोगो पर काम कर रहा था। एयर इंडिया का नया लोगो असीमित संभावनाओं के प्रतीक को दर्शाता है। एयर इंडिया ने अपने लोगो के हिस्से के ऊपर एयर इंडिया ने लाल, सफेद और बैंगनी रंगों को बरकरार रखा है। केंद्र सरकार ने मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों का चयन करने वाले पैनल से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को हटाने वाला एक बिल पेश किया। इसमें सीजीआई के बजाय 3 सदस्यों के पैनल में अब एक कैबिनेट मंत्री के अलावे लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री को शामिल करने का प्रस्ताव है, जो चयन समिति का नेतृत्व करेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त विधेयक 2023 को मणिपुर पर विरोध के बीच राज्यसभा में कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने पेश किया है। भारत G20 सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा है और इसी के अंतर्गत आज एक और G20 सेमिनार का आयोजन किया गया है। इसको केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया है। इस सेमिनार का विषय ग्लोबल इकोनॉमी चैलेंजेस, अपॉर्चुनिटीज एंड द वे फॉरवर्ड है, जिसके तहत वित्त मंत्री ने भारत के वैश्विक अर्थव्यवस्था में योगदान को लेकर भी बात की और ग्लोबल चुनौतियों और अवसरों के बारे में संबोधित किया। लोकसभा सदन में बीजेपी नेता राज्यवर्धन सिंह राठौर ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी बीजिंग में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से मिलने गए थे। आयुष्मान भारत योजना को लेकर सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट पर जदयू ने बीजेपी पर हमला बोला है। जदयू ने ट्वीट कर कार्टून के माध्यम से मोदी सरकार पर निशाना साधा है। जदयू ने ट्वीट में लिखा है कि थाली बजवाकर कोरोना भगाने का आविष्कार करने वाले मोदी सरकार का नया घोटाला, सीएजी ने आयुष्मान भारत स्कीम की पोल खोल दी है, बस कुछ दिन की बात है विदाई होने वाले फर्जी सरकार की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मॉनसून सत्र के आखिरी दिन लोकसभा में भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य विधेयक और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में सुधार के लिए 3 विधेयक पेश किए। इस दौरान अमित शाह ने कहा है कि 1860 से 2023 तक देश की आपराधिक न्याय प्रणाली अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानूनों के अनुसार कार्य करती रही है। अब अंग्रेजों के समय से चले आ रहे 3 कानून बदल जाएंगे और देश में आपराधिक न्याय प्रणाली में बड़ा बदलाव होगा। शाह ने जिन विधेयकों को पेश किया उनके कानून बनने के साथ ही राजद्रोह खत्म हो जाएगा। इसके अलावा इसमें ब्लीचिंग, महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों में भी तमाम बदलाव किए गए हैं। सरकार द्वारा पासपोर्ट बनवाने के लिए एक नया रूल लाया गया है। 5 अगस्त से अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए नए पासपोर्ट के लिए आवेदन करने वाले www.passportindia.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन जमा करने से पहले पासपोर्ट सेवा केंद्रों और डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र PSKS या POPSKS पर डिजी लॉकर में आवश्यक सहायक दस्तावेज अपलोड करने होंगे। खालिस्तानी कट्टरपंथ पर लगाम लगाने के लिए भारत की अपील पर ब्रिटेन ने बड़ा कदम उठाया है। बता दें कि ब्रिटेन ने खालिस्तान समर्थक कट्टरपंथियों से निपटने के लिए ब्रिटेन की सरकार ने नए फंड का ऐलान किया है। गौरतलब है कि भारत और ब्रिटेन पहले ही कट्टरपंथ से लड़ने के लिए संयुक्त टास्क फोर्स के गठन की दिशा में काम कर रहे हैं। भारत में ब्रिटेन के उच्चायुक्त ने यह जानकारी दी है। मौजूदा समय में बाजार में टमाटर की कीमतें 200 रुपये को पार कर की जा चुकी हैं। वहीं प्याज की कीमत में भी बढ़ोतरी का अनुमान मंडी कारोबारियों ने लगाया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अगले महीने तक प्याज के दाम दोगुने तक बढ़ सकते हैं। आने वाले महीनों में प्याज की कीमत में रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। फिलहाल प्याज 28 रुपये से लेकर 32 रुपये किलो तक बिक रहे हैं, जो अगले महीने तक 70 से 80 रुपये किलो हो सकते हैं। भारत की अच्छी अर्थव्यवस्था रफ्तार के साथ चल रही है। मौजूदा समय में यह देश दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था वाला देश और आने वाले 2075 तक यह दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा। इतना ही नहीं, यह जापान और जर्मनी के साथ साथ महाशक्ति कहे जाने वाले अमेरिका को भी पीछे छोड़ देगा। यह दावा गोल्डमैन सच की रिपोर्ट में सामने आई है। गुजरात हाईकोर्ट ने आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को एक बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने उनकी याचिका में कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है। मामले में गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा दायर आपराधिक मानहानि शिकायत की कार्यवाही पर उनके पुनरीक्षण के निपटान तक अंतरिम रोक लगाने की मांग की गई थी।
आम आदमी पार्टी के एक और सांसद राघव चड्ढा को सस्पेंड कर दिया गया है। दिल्ली सर्विस बिल से जुड़े राघव के एक प्रस्ताव पर विवाद के बाद यह एक्शन लिया गया है। ये मामला विशेषाधिकार समिति को भेजा गया था। हालांकि इससे पहले आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने गुरुवार को ही तमाम आरोपों को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा था। अपनी सफाई में चड्ढा ने बीजेपी को चुनौती दी थी कि वो कागज का टुकड़ा दिखाएं जहां वे हस्ताक्षर का दावा कर रहे हैं। श्री कृष्ण जन्म स्थान मामले में शुक्रवार को पहली बार श्री कृष्ण जन्म भूमि ट्रस्ट ने ईदगाह की जमीन पर अपना दावा प्रस्तुत किया और एक वाद सिविल जज सीनियर डिवीजन के न्यायालय में दायर किया है। इसमें श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संस्थान और शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी को प्रतिवादी बनाया गया है। नकदी संकट से जूझ रहे पाकिस्तान के मेडिसिन रेगुलेटरी बोर्ड ने कहा है कि अस्पतालों और आम नागरिकों के इस्तेमाल के लिए भारत से कैंसर रोधी दवाओं और टीकों सहित महत्वपूर्ण दवाएं आयात करने पर बैन नहीं है। पाकिस्तान मीडिया द न्यूज़ इंटरनेशनल ने ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान के हवाले से शुक्रवार को इस संबंध में जानकारी दी है। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है नुन्नू गोलू कुमार, उमेश कुमार, अनवर करीम खान, रविशंकर, एच के मल्होत्रा, मोहम्मद साकिर हुसैन, नौसाद अंसारी, सरोज कुमार, पप्पू कुमार, बाबूलाल मरांडिया। बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, राघव चड्ढा को राज्यसभा से निलंबित करना क्या सही है? आप अपना जवाब हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।